better. रूस यूक्रेन युद्ध में रॉकेट मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन अटैक काफी चर्चा में रहा है। ये गेम चेंजर हथियार दोनों ही देशों की सेनाओं के लिए बड़ी चुनौती बना है। दावा किया जाता है कि फरवरी 2022 में संघर्ष की शुरुआत के बाद से ही रूस ने ईरान में बने ड्रोन से यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई। वहीं यूक्रेनी सेनाओं ने पश्चिमी देशों और नेटो की ओर से सप्लाई घातक ड्रोन से रूस के ऊपर भीषण हमले किए। यही वजह है कि रूस के सामने छोटे से यूक्रेन ने रूसी सेनाओं को बैकफुट पर रखने के लिए ड्रोन्स का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। युद्ध में कई मौकों पर यूक्रेन रूस पर हावी होते हुए भी देखा गया है। पिछले दो सालों में यूक्रेन के लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोन रूस के सैन्य और ऊर्जा बुनियादी ढांचों के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए बार बार रूसी एयर स्पेस में घुसे हैं। यूक्रेन कई बार रूसी हवाई सुरक्षा को मात देकर मॉस्को पर हमला करने में भी सक्षम रहा है। माना जाता है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस की ओर दागी जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल में आई कमी को पूरा करने का काम किया है। रूस ने भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान की मदद ली है। रूसी सेना ने ईरान के शहीद 2 ड्रोन की मदद से यूक्रेन को कई मौकों पर जंगी मैदान में धूल चटाई है। हालांकि यूक्रेन के ड्रोन पावर को काबू में करने के लिए रूस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के जेट से ऑपरेट होने वाले ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। इसे जांच के लिए भी भेजने की बात सामने आई है। सेंटर फॉर कॉम्प्लेक्स अनमैन्ड सॉल्यूशन के जनरल डायरेक्टर की माने तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जोन के पास पहुंचते ही इन यूक्रेनी ड्रोन्स की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। हम यूक्रेनी कामिकेज ड्रोन की स्टडी करने में कामयाब रहे हैं। ये दुश्मन देश का नया डिजाइन वाला यूएवी एक जेट इंजन से लैस है। जेट इंजन का इस्तेमाल ड्रोन को ज्यादा महंगा बनाता है, साथ ही उड़ान सीमा को कम करता है, मगर इसके कई फायदे और भी हैं। सेंटर फॉर कॉम्प्लेक्स अनमैन्ड सॉल्यूशन ने डेटा हासिल करने के लिए ड्रोन की स्टडी की है। आइए अब जान लेते हैं यूक्रेन के घातक ड्रोन्स को जिन्होंने रूसी सेना में दहशत मचा रखी है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन्स में UJ-22 एयरबोर्न सिंगल इंजन वाला ड्रोन है, जिसमें नोज माउंटेड प्रोपेलर और एयर फ्रेम डिजाइन होता है। इसकी लंबाई 3.7 मीटर है और विंग स्पैन 4.2 मीटर होता है। ये यूक्रेन का सबसे बड़ा कामिकेज ड्रोन बताया जाता है। ये 20 किलोग्राम विस्फोटक भार को 800 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। UJ-26 बी वर्ग में कैनार्ड्स के साथ एक शार्क जैसा एयर फ्रेम है। पुशर प्रोपेलर के साथ टेल माउंटेड इंजन से ये ऑपरेट होता है। ये 20 किलोग्राम विस्फोटक भार को 1000 किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। दावा है कि यूक्रेनी सेना ने रूस पर हमला करने के लिए UJ-22 और UJ-26 दोनों तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। वहीं AQ-400 स्किथ ड्रोन का बक्से जैसा आकार होता है। ड्रोन एक पुशर प्रोपेलर के साथ टेल माउंटेड इंजन से ऑपरेट होता है। ये 32 किलोग्राम का पेलोड 750 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। बताया जाता है कि लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोन रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। जेट से उड़ने वाले ये ड्रोन मिसाइल अटैक में अक्सर बच निकलते हैं। इनकी हाई स्पीड ही इन ड्रोन्स के लिए प्लस पॉइंट रहता है। यूक्रेन का सबसे चर्चित जेट ऑपरेटेड ड्रोन UJ-25 स्काईलाइन है। ये UJ-23 पुखराज टारगेट ड्रोन का ही अपग्रेडेड वर्जन है। दोनों ड्रोन स्टेल्थ मिसाइलों की तरह ही दिखते हैं। UJ-25 को एक घूमने वाले हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अपने टारगेट पर हमला करने से पहले लंबे समय तक हवा में रहने में सक्षम होता है। बताया जाता है कि UJ-25 स्काईलाइन का इस्तेमाल बर्डियांस्क में यूक्रेनी हमले में किया गया था।